हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? डेट्स जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। एक समय ऐसा था जब हमारे जितने भी हिस्टोरियंस थे वो डेट्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे और डेट्स के बारे में उनमें आपस में बहुत ज़्यादा बहस हुआ करती थी कि किस राजा ने कब लड़ाइयाँ की और कौन कौन सी घटनाएं कब घटी। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में डेट्स का बहुत बड़ा रोल है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास्ट में किस समय पे कौन कौन से बदलाव आए हैं और जब हम हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सा काम किससे पहले हुआ या किसके बाद में हुआ। आजकल हम इस बात की परवाह नहीं करते कि आसपास में क्या घटनाएं घट रही है और उनका कारण क्या है और उनका पास से क्या लेना देना है। हमें सब कुछ बहुत आसान लगता है। किसी को चाय भी पीते हुए देखेंगे तो हो सकता है आपको आश्चर्य हो कि चाय की शुरुआत कब से हुई है, किसने चाय को आविष्कार किया और कब लोगों ने चाय को किस प्रकार से पीना शुरू किया होगा। एक ऐसा भी समय था जब हिस्ट्री में केवल बैटल्स के बारे में और बड़ी-बड़ी घटनाओं के बारे में लिखा जाता था। इसमें ये लिखा जाता था कि कौन कौन से रूलर्स हुए और उनकी क्या क्या पॉलिसीज रही। हिस्टोरियंस लिखा करते थे कि एक राजा इस समय राजा बना, इस समय उसकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी और वो इस समय मर गए। उसके बाद में दूसरा व्यक्ति राजा बना और फिर उसकी वही सारी पुरानी घटनाएं इस तरह से इतिहास में शुरू हो जाया करती थी। इसी कारण इतिहासकारों में अक्सर डेट्स को लेके आपस में वाद विवाद होता रहता है कि कौन सी घटना कब घटी है। विच डेट्स, कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे हिस्ट्री की शुरुआत की हम लोग बात करें तो हिस्ट्री का जो लिखना है वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने शुरू किया और इसमें उन्होंने जितने भी इंडिया में गवर्नर जनरल है उसके रूल को उन्होंने इम्पोर्टेंट माना और इनके द्वारा लिखी गई जो हिस्ट्री है उसकी शुरुआत पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से हुई और उसका खात्मा अंतिम जो वॉयसराय थे लॉर्ड माउंटेन उसके साथ। अलग अलग चैप्टर्स में हम इनके कामों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि और भी ये जो गवर्नर जनरल है हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिंक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन। ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नर जनरल की श्रृंखला है और वायसराय की जो श्रृंखला है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए हिस्ट्री में इनसे जुड़ी हुई जो डेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन लोगों ने क्या काम किया, किस तरह की नीतियां थी, क्या उनकी उपलब्धियां रही, वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। और ऐसा लगता है कि इनके अलावा हमारे देश में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हुआ होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हर एक चैप्टर में एक अलग अलग टॉपिक को लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने जो हिस्ट्री लिखी वो सारी केवल अपने ब्रिटिश गवर्नर जनरल से जुड़ी हुई ही लिखी है। उनके इतिहास में इंडियंस का कोई भी रोल नहीं दिखाई देता है। हाउ डू वी पीरियडाइज? अगर 1817 की बात करें तो जेम्स मिल जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे उन्होंने एक बहुत बड़ी 3 वॉल्यूम की जो वर्क है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उसे पब्लिश किया। उसके अंदर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इस पीरियडाइजेशन को बहुत अधिक मात्रा में एक्सेप्ट किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो डिवीजन है ये सही है जिसमें हमारे हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अनुसार डिवाइड किया गया है? क्यों इस प्रकार का प्रयास करें कि हमारे हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में बांटा जाए? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि एक विशेष समय की जो विशेषताएं रही हैं उनको एक साथ हम लोग पढ़ सकें। इसीलिए अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग बातें रही हैं उनको हम अलग अलग करके आसानी से पढ़
पढ़ सकते हैं, और ये जो अलग अलग पीरियड्स हैं वो अपने अलग अलग पास्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ अलग अलग बातें बताते हैं। इसमें हमें ये पता लगता है किस प्रकार से एक पास्ट का पीरियड दूसरे पास्ट से पूरी तरह से विभिन्न रहा होगा। जेम्स मिल ये सोचते थे कि एशियन सोसाइटी जो है उनका यूरोप के लोगों से सिविलाइजेशन के मामले में बहुत नीचा स्तर है। उनकी हिस्ट्री के अनुसार ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले हिंदू और मुस्लिम राजा यहाँ राज किया करते थे, और इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जो थी वो बहुत ज्यादा प्रचलित थी। मील ने ये सोचा कि वो शायद यहाँ के लोगों को थोड़ा सिविलाइज बना सकें, और ऐसा करने के लिए उन्हें यूरोपियन मैनर्स को लगाना बहुत आवश्यक था, और उसी के साथ साथ में इंडिया में आर्ट्स और लॉज के इंस्टीट्यूशन को खोलना भी बहुत जरूरी था। मील ने यह भी कहा ब्रिटिश को इंडिया के सारी टेरिटरीज को जीत लेना चाहिए ताकि वो उनके विकास और खुशी का रास्ता खोल सकें। उन्हें लगता था कि इंडिया के लोग जो हैं वो ब्रिटिश लोगों की सहायता के बिना अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से आगे हम लोग बढ़े तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिन्होंने हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा है, जिसे एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न भी कहा जाता है। इस डिवीजन में भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये जो पीरियडाइजेशन है इसे वेस्ट से हमने बोरो किया है, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड है वो जुड़ा हुआ है सारे मॉडर्निटी से, जिसमें साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी होती है। और मिडाइवल एक ऐसा टर्म है जो उस सोसाइटी के बारे में बताता है जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी का अस्तित्व मौजूद भी नहीं था। क्या हम बिना आलोचना किए हुए इस तरह के विभाजन को पढ़ सकते हैं? ब्रिटिश रूल के दौरान लोगों को इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं थी, और ना ही किसी प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस थी। अब हम जानेंगे कि कॉलोनियल क्या है। ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए हमारे देश को जीतने के लिए, अपना रूल यहाँ पे स्थापित करने के लिए, और यहाँ के नवाब और राजाओं को अपने अधीन करने के लिए। उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी पे पूरी तरह अपना कंट्रोल कर लिया, और अपने खर्चों के लिए उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिन चीजों को वो खरीदना चाहते थे उनकी कीमत वो कम रखते थे, और उसे बाद में वो एक्सपोर्ट किया करते थे, और उसके आगे जाके बहुत भयानक परिणाम भी हुए। हमें ये भी यहाँ हिस्ट्री में जानने को मिलेगा कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे वैल्यूज में और टेस्ट में और कस्टम्स और प्रैक्टिसेज में किस प्रकार के बदलाव आए। जब एक देश की इस प्रकार की अधीनता से दूसरे देश के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल में पूर्णतः बदलाव आते हैं, इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। इस बात का हमें पता कहाँ से लगता है? हमारे हिस्टोरियंस ने पिछले 250 सालों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और इसी से हमें इन चीजों का पता लगता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश लोग ये विश्वास करते थे कि लिखना बहुत जरूरी है। हर एक इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन को साफ साफ लिखा जाना चाहिए, और अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो उसको आराम से पढ़ा जा सकता है, उस पे डिबेट भी की जा सकती है। इस विचारधारा के कारण अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन में मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स का कल्चर चल पड़ा था। ब्रिटिश लोग ये भी सोचा करते थे कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं उन्हें सावधानी से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स और उसी के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया था। विलेज तहसीलदार, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर ऑफिस, प्रोवेंशियल सेक्रेटरिएट्स, लॉ कोर्ट्स, इनके सबके अपने अलग अलग रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे। कॉलोनियल
कुछ विशेष इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्चिव्स और म्यूजियम्स भी हुआ करते थे, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता था। इस समय सर्वे जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। सर्वेइंग की जो प्रैक्टिस है वो हमारे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश लोग ये विश्वास करते थे किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने से पहले उस देश को पूरी तरह जानना जरूरी है। इसलिए अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने इस तरह के सर्वे को करना शुरू कर दिया था और उन्होंने पूरे देश में इस तरह के सर्वे शुरू कर दिए। विलेजेस में रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट किए गए और हर जगह की टोपोग्राफी, सोइल की क्वालिटी, फ्लोरा फौना, लोकल हिस्ट्री और उनका क्रॉपिंग पैटर्न है, ये सारी चीजों को सर्वे किया गया और उन्हें नोट डाउन किया गया। 19th सेंचुरी के एंड की अगर बात करें तो हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशन भी किया जाने लगा। इससे क्या हुए, विस्तृत रूप से रिकॉर्ड तैयार कर लिए गए कि कितने लोग कहाँ रहते हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं और किस प्रकार का काम वो करते हैं। और भी कई प्रकार के सर्वे जैसे बॉटनिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे भी हुआ करते थे। ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते, ये अनगिनत जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी ये सारे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स नहीं हैं। ये हमें ये बताते हैं कि उस समय के अधिकारी क्या सोचते थे और किस बात में उनका इंटरेस्ट था या वो क्या करना चाहते थे और आने वाले पीढ़ियों को वो क्या देना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में ये नहीं बताया गया है कि देश के अंदर बाकी लोग जो हैं वो क्या सोचते थे और वो किस तरह के काम किया करते थे और उनके काम के पीछे क्या कारण हुआ करते थे। इन सब बातों को जानने के लिए हमें कुछ और साधनों को तलाशना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, ऑफिशियल्स रिकॉर्ड से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। हमें लोगों की डायरीज, उनकी धार्मिक यात्राएं, उनकी अन्य यात्राएं, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी पॉपुलर बुकलेट्स जो कि लोकल बाजार में मिलती थी, उन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। जब प्रिंटेड पेपर की शुरुआत हुई और इसका प्रचलन बढ़ा तो न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाने लगे और भी कई तरह की चीज़ें पब्लिश की जाने लगी। लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो है वो अपने विचारों को लिखने लगे और कवि और जो नॉवलिस्ट है वो भी अपनी भावनाओं को लिखकर प्रकट करने लगे। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ए है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। इसका मतलब जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 अलग अलग पीरियड्स में बांटा, जिसमें है हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन। इसका जवाब है फॉल्स। सेकंड, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें ये जानने में सहायता करते हैं कि इस देश के लोग क्या सोचते हैं। इसका भी आंसर है फॉल्स। सी, द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश लोग ये सोचते थे कि सर्वे जो है वो प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इम्पोर्टेंट थे। इसका जवाब है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा, उनमें से पहला है हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा है ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम। इस पीरियडाइजेशन की अपनी खुद की अलग अलग समस्याएं हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम बिकॉज ए वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स। किसी भी हिस्ट्री के पीरियड को हिंदू और मुस्लिम में हम लोग इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक ही समय पे अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग धर्म के लोग प्रभावशाली रहे। इट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ टाइम। और इसी के साथ साथ में ये भी सही नहीं होगा कि किसी भी एज को हम लोग कैरेक्टराइज करें जो रूलर है उसके रिलीजन से। वॉट इट सजेस्ट इज दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स डू नॉट रियली मैटर। इसका मतलब तो साफ साफ ये हो गया, अन्य धर्म के जो लोग हैं उनका जीवन, उनकी प्रैक्टिसेस का कोई मतलब नहीं रहा। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट इवन ऑल रूलर्स इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ।
और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने लायक ये है कि एंशियंट इंडिया में जितने भी रूलर्स रहे हैं सबका एक ही फेथ, एक ही धर्म नहीं रहा है, वो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग विचारधाराओं से रहे हैं। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश लोगों ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों प्रिजर्व करके रखा? द ब्रिटिश प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ब्रिटिश लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को इन कारणों से प्रिजर्व करके रखा। पहला है, एनी इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन कैन बी रीड यूज फ्रॉम द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रूफ जो किसी डिसीजन से जुड़े हुए हो उसको इन प्रिजर्व डॉक्यूमेंट से पढ़ा और काम में लिया जा सकता था। द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स रिवेल द प्रोग्रेस मेड बाई द कंट्री इन द पास्ट। इन प्रिजर्व किए हुए डॉक्यूमेंट से कंट्री ने पास्ट में जो प्रोग्रेस की है उसका पता लगता है। वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। और इनकी सहायता से पहले जो रिपोर्ट्स और नोट्स तैयार हुए हैं उनको पढ़ा जा सकता है। देयर कॉपीज में बी मेड एंड यूज इन मॉडर्न टाइम्स। उनकी कॉपी बनाई जा सकती है और उसे मॉडर्न टाइम में यूज किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स वर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स। डॉक्यूमेंट्स हमारी सहायता करते हैं उस समय के सोशल, इकोनॉमिकल और हिस्ट्री को जानने के बारे में। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। हिस्टोरियंस ने जो ओल्ड न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन ली है वो पुलिस रिपोर्ट से किस प्रकार से अलग हो सकती है? द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स, न्यूज एडिटर्स एटसेट्रा। न्यूज़पेपर्स में जो इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई है वो रिपोर्टर्स और न्यूज एडिटर्स के जो व्यूज हैं और उनके ओपिनियंस हैं उनसे प्रभावित हो सकती है। बट वॉट हिस्टोरियंस फाइंड इन पुलिस रिपोर्ट्स आर यूजुअली ट्रू एंड रियलिस्टिक बेस्ड ऑन द फैक्ट। लेकिन हिस्टोरियन ने पुलिस रिपोर्ट्स में जो कुछ भी पाया है वो ट्रू और रियलिस्टिक है क्योंकि वो फैक्ट्स पे आधारित है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।